हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे हो गए। तो आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं विकेट कीपिंग ग्लव्स का अनबॉक्सिंग, जो कि ये मेरे सामने आप देख सकते हो। और इसके साथ ही मैं इस इनर्स का भी जो है अनबॉक्सिंग करूंगा और सारे रिव्यू भी बताऊंगा। तो मैंने कितने रुपए में इसको परचेस किया एंड कहां से मैंने परचेस किया, ऑनलाइन या ऑफलाइन, तो सारा डिटेल मैं बताऊंगा। और साथ में ही मैं बताऊंगा कि आपको कौन से विकेट कीपिंग ग्लव्स परचेस करने चाहिए और किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए एक विकेट कीपिंग ग्लव्स खरीदते समय। तो मैं भी एक विकेट कीपर हूँ, अगर मैं आपको बताऊँ तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप एक विकेट कीपर हो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम जो है आती है विकेट कीपिंग ग्लव्स खरीदते समय। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो सकती है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच करें। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो कर देना लाइक और साथ में कर देना इस चैनल को सब्सक्राइब। और वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये मेरे हाथ में है विकेट कीपिंग ग्लव्स। वैसे मैं आपको बता दूं, ये मेरा थंब जो आपको दिख रहा है, तो ये फ्रैक्चर हो गया मेरा थंब, इसलिए थोड़ा पकड़ने में प्रॉब्लम आएगा, लेकिन फिर भी मैं आपको पूरा को दिखाने की कोशिश करूंगा। तो आप देख सकते हो जो है इनर है, तो इनर का मैं अभी लास्ट में दिखाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको विकेट कीपिंग ग्लव्स का दिखा देता हूँ। तो बाहर से आप देख सकते हो इसका कवर कितना प्यारा है, इसका लुक देखो आप कितना अच्छा लग रहा है। तो मैं इसको, अब चलो इसको अनबॉक्सिंग करता हूँ इस पैक से। तो थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है मुझे, दर्द हो रहा है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए वीडियो बनाना इंपॉर्टेंट समझता हूँ, क्योंकि क्रिएटर की लाइफ में ये सब तो प्रॉब्लम आते रहते हैं। आप देख सकते हो इसका लुक कितना प्यारा लग रहा है। अब मैं इसका अनबॉक्सिंग कर लिया, आप देख सकते हो कितना प्यारा लग रहा है लुक इसका। सामने से आप देख सकते हो फ्रंट, एंड यहाँ से आप देख सकते हो दोस्तों। फिर उसके बाद मैं अगर आपको पीछे से दिखा दूँ तो इसका ग्रिप आप देख सकते हो। अभी मैं ग्रिप के बारे में बताऊँगा थोड़ा चीज़। तो दोस्तों, आप देख सकते हो SS का प्रोफेशनल एडिशन ग्लव्स है, विकेट कीपिंग ग्लव्स है। और आप एक ग्रिप देख सकते हो, एक ग्रिप जो है ऑक्टोपस ग्रिप इसको बोलते हैं, आप देख सकते हो सामने से, इसको ऑक्टोपस ग्रिप बोलते हैं। और ऑक्टोपस ग्रिप से जो है बॉल बहुत अच्छे से ग्रिप होती है हमारे विकेट कीपिंग ग्लव्स में। तो आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखना, अगर आप विकेट कीपिंग ग्लव्स खरीदने जाना तो आप ज़रूर से ध्यान रखना कि वो एक ऑक्टोपस ग्रिप का ही ग्लव्स हो। एक ग्रिप बहुत ज़्यादा अच्छा है, मैं इसी ग्रिप का जो है ग्लव्स खरीदता हूँ। एंड आप देख सकते हो इसका प्रोफेशनल लुक पीछे से है, कलर देख सकते हो, ग्लव्स का क्वालिटी भी बहुत अच्छा है। तो दोस्तों, इसकी प्राइस मैं लास्ट में आपको बताऊंगा, उससे पहले मैं आपको बता दूं तो देखो, ऑक्टोपस ग्रिप ही लेना है विकेट कीपिंग ग्लव्स खरीदते समय। एंड आपको क्या करना है कि थोड़ा रेंज में लेना है, आप 3 से 3.5 हज़ार तक का जो है, अभी आप बिगिनर अगर हो, ठीक है, तो आप जो है 3.5 से 3 हज़ार तक का जो है ग्लव्स लो। क्योंकि यार, अगर आप अभी से प्रोफेशनल लेवल का 5 हज़ार 7 हज़ार का ग्लव्स ले लोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है उससे, उतना पैसा वेस्ट मत करो। तो दोस्तों, इस ग्लव्स को मैंने ऑफलाइन परचेस किया है किसी दुकान से जाके, और वो अच्छा खासा स्पोर्ट्स दुकान माना जाता है कानपुर का, जो है अमर स्पोर्ट्स। तो आपको मैं उसका लोकेशन भी बता दूंगा अगर आप मेरे को DM करोगे इंस्टाग्राम पर, एंड मैं आपको उसका लिंक भी दे दूंगा इस ग्लव्स का, तो आपको वहाँ तक डिलीवर हो जाएगा। अगर आप ऐसा ग्लव्स चाहते हो तो आप मेरे को ज़रूर DM करना इंस्टाग्राम पे, मेरी ID है सिद्धार्थ क्रिक, वहाँ पे आप मेरे को DM करो, मैं वहाँ पे तुरंत जो है रिप्लाई देता हूँ। तो दोस्तों, अब मैं बात कर लेता हूँ इसके प्राइस के बारे में। तो इसका डिस्काउंट मुझे 27% मिला है, एंड अगर आप खरीदोगे ऑनलाइन तो आपको थोड़ा 25% या 26% मिल सकता है, लेकिन मैंने ऑफलाइन परचेस किया तो मुझे 27 से 28% डिस्काउंट मिल गया था। इसका MRP था 4300 रुपये, एंड डिस्काउंट पे मुझे जाके मिला ये 3100 रुपये में। और मैं बात कर लूँ, अगर आपको ग्लव्स खरीदते समय ध्यान में रखना है कि ग्लव्स का साइज़ एडल्ट साइज़ है या नहीं। अगर आप जो है 17 साल से ऊपर हो, 15 साल से ऊपर हो, तो आपको जो है थोड़े बड़े साइज़ में जो ग्लव्स लेना है, एडल्ट साइज़ जो आता है एक, ये भी ध्यान में रखना है कि जो फिंगर प्रोटेक्ट करता है ये टाइट है या थोड़ा ढीला है। तो अगर आप ज़्यादा से टाइट वाला लेते हो तो सही रहेगा आपके लिए, क्योंकि आपको जो फिंगर में चोट नहीं लगेगा, क्योंकि जो मेरा इंजरी हुआ है इसी वजह से हुआ है। तो आप देख सकते हो ग्लव्स ऑल ओवर बहुत अच्छा, और हाँ, इसमें दिया है देखिए जाली, दिया है जाली टाइप का, तो ये भी बहुत अच्छा है, क्योंकि आपके अंदर अगर पसीना होगा ना हाथ के अंदर, आप विकेट कीपिंग ज़्यादा देर तक करते हो तो पसीना होगा, तो उससे जो है प्रोटेक्ट करेगा, आप एयर जो है पास करेगा, आपका ग्लव्स जल्दी ख़राब नहीं होगा। तो ये ग्लव्स आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, और ये भी बताना कि आप इससे पहले कौन सा ग्लव्स जो है यूज़ कर रहे थे। तो अब बात कर लेते हैं इस विकेट कीपिंग इनर्स के बारे में। इससे पहले मैं DSC का जो है विकेट कीपिंग इनर्स यूज़ करता था, अभी मैंने इसके साथ परचेज किया है विकेट कीपिंग ग्लव्स के साथ, चैमोस पैडेड जो है इनर है, विकेट कीपिंग इनर है, इसका नाम है चैमोस पैडेड। तो आप सर्च करके भी ऑनलाइन मंगा सकते हो, एंड किसी दुकान से भी ऑफलाइन खरीद सकते हो। ये भी बहुत अच्छा है, पीसेस देख सकते हो इसमें, ज़्यादा आपको जो है मिल जाएगा, ये ऊन जो है ज़्यादा मिल जाएगा, तो इससे जो है आप, आपको हाथ पे थोड़ा कम चोट लगेगा, और हाँ, पसीना आपका होगा तो ज़्यादा इसमें जो है एब्जॉर्ब करने की क्षमता है, तो आपका विकेट कीपिंग ग्लव्स इससे ख़राब नहीं होगा जल्दी। तो बहुत सारे एडवांटेज है इसमें, तो बहुत अच्छा विकेट कीपिंग इनर है और विकेट कीपिंग ग्लव्स भी। तो इसकी प्राइस के बारे में बात कर लूँ तो यह 650 इसका MRP था, लेकिन मुझे 500 रुपये में मिल गया। तो ऑल ओवर दोनों बहुत अच्छा है। दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो कर दो लाइक और साथ में कर दो इस चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि हमारे इस चैनल पर क्रिकेट से रिलेटेड टिप्स आते रहते हैं। मिलते हैं किसी अगले अमेजिंग वीडियो में। जय हिंद।